मुल्तान से खबर शामिल करेंगे, जहां पर पीसीसीआई की जानिब से सखर, रोहड़ी और खैरपुर में अमदादी रिलीफ प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, जिसमें मुल्तान पाकिस्तान से वाइस चेयरमैन पीसीसीआई कैसर सरोया ने खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज दुआ से किया गया। दुआ के बाद डिविजनल डायरेक्टर पीसीसीआई सखर रेवरेंट पादरी डॉक्टर मुनीर बशीर ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कौंसिल को मुतारफ कराते हुए पीस एंड केयर कौंसिल इंटरनेशनल के अगराज और मकासद और मंशूर को बयान किया। और इसी तरह मेम्बरान पीसीसीआई नसीम एजाज, आदिल भट्टी और आरिफ मसीह ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पीसीसीआई की खिदमात को बयान किया। और फिर आखिर में वाइस चेयरमैन पीसीसीआई कैसर सरोया ने अपने ख्यालात में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए पीसीसीआई के हवाले से और चेयरमैन पीसीसीआई इज्जत नाम बिशप जॉनसन और तमाम सुप्रीम कौंसिल के मेम्बरान, जो कि दिन रात बैन अल-अक़वामी सतह पर अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और मसीहियों के हकूक के हसूल के लिए सरगर्म हैं, जबकि मसीही नौजवान बच्चियों और बच्चों के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए फिक्र रखते हैं। ख्यालात का इख्तिताम करते हुए कैसर सरोया डायरेक्टर रेवरेंड पादरी मुनीर और सखर और खैरपुर की टीम ने आए हुए सैलाब मुतासरीन खानदानों में राशन बैग और सब्जी तकसीम की। ये इमदाद सखर, रोहड़ी और खैरपुर शहर के 60 मसीही खानदानों में तकसीम की गई। इस इमदाद से मुस्तफादा होने वाले लोगों ने पीसीसीआई के इस अमल को बहुत सराहा और चेयरमैन बिशप जॉनसन और सुप्रीम कौंसिल का बहुत शुक्रिया अदा किया और इनके लिए दुआएं की।